हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खाना इंडिया का। फ्रेंड्स, अभी मार्केट में कच्चे आम बहुत मिल रहे हैं, तो आज मैं कच्चे आम की चटनी बनाने वाली हूँ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे आप पकोड़े समोसे के साथ तो खा ही सकते हैं, और अगर आप इसको लंच या डिनर में बनाकर खाएंगे तो खाने का स्वाद डबल हो जाएगा। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कच्चे आम की चटनी बनाने के लिए मैंने एक कच्चा आम लिया है और ये धनिया के पत्ते लिए हैं कुछ। इनकी मैंने मोटी मोटी डंडियां निकाल दी हैं और इसको अच्छे से धो लिया है। और ये पुदीने के पत्ते हैं, पुदीने के पत्ते की भी मैंने मोटी मोटी डंडियां निकाल दी हैं और इसको भी अच्छे से धोया है। और ये एक अदरक का टुकड़ा लिया है, चार हरी मिर्च ली है। आप मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब मिक्सर जार में ये मिर्ची काट कर डाल देंगे। मिर्ची का डंठल है वो निकाल लेंगे, पुदीने के पत्ते डालेंगे, अदरक डाल देंगे, धनिया के पत्ते डालेंगे और ये जो आम है इसके हम पीसेस कट करके डाल देंगे। इसकी गुठली को हम निकाल देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, 1/4 टीस्पून काला नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा और ये 1 टीस्पून सौंफ डालेंगे। ये ऑप्शनल है बट ये कच्चे आम की चटनी में सौंफ का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसकी चटनी पीस लेंगे। चटनी पीस कर हमने तैयार कर लिया, इसको हम एक बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनकर तैयार हो गई है। आप इसको दाल राइस के साथ, स्नैक्स के साथ या पकौड़े के साथ किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। इससे हर चीज का स्वाद दोगुना हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी चटनी है, गर्मियों में इसको आप जरूर बनाकर खाएं। एक बार इस रेसिपी को बनाकर अपना फीडबैक मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।